हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा मसिस्ट और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डैड्स ग्रू। और यहाँ पे मैं आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन वीडियोस रिकॉर्ड करके देता हूँ दोस्तों। और अगर आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में आपने इनरोलमेंट लिया हुआ है, तो डेफिनेटली दिस चैनल इज़ फॉर यू। एंड साथ में अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे साइकोलॉजी का अपना ही बहुत बड़ा महत्व है, तो ये जो चैनल है बच्चों, ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स जो हैं, काफ़ी सारे वीडियो सेशन आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। तो प्लीज़ आइए और सारे वीडियोज़ को एक्सेस कीजिए। डेफिनेटली यू विल सेव योर मनी। ठीक है, किसी कोचिंग में जाने से बेस्ट है आप इन वीडियो सेशन के अंदर। मैंने पूरे जो वीडियो सेशन हैं, पूरी जो वीडियोस में मैंने आपको सिर्फ एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है एजुकेशन साइकोलॉजी का रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एजुकेशन साइकोलॉजी का मैं रोल डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है वो पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि रोल इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा है कि आप उसको एक वीडियो में नहीं बना सकते। डेफिनेटली यू हैव टू काउंट ऑल पॉइंट्स। आपको सारे पॉइंट्स को काउंट करना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप उसको अच्छे से समझोगे। टू गेट एक्सेस, आपको अगर इन वीडियोज़ का फ़ायदा, अगर बेनिफिट आप मैक्सिमम पॉइंट तक लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप मेरे वीडियो लेसन को देखो, अच्छे से सुनो, जो मेरी एक्सप्लेनेशन है उसको सुनो, क्योंकि मैं यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बात करता हूँ विद एग्जांपल। तो उन वहाँ से फिर आप जब नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, और पैडागोजी में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, इसे प्रीवियस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट फर्स्ट, तो प्लीज़ देख लें, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और प्लेलिस्ट में आप एक्सेस गेट कर सकते हैं। तो आज ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये पार्ट सेकंड है। जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने 10 पॉइंट आपको बताए थे एजुकेशन साइकोलॉजी के रोल को, मैंने एक्सप्लेन किया था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ 11th पॉइंट। ठीक है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कि भाई जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हमारी मदद करती है टू आइडेंटिफाई द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं? देखो बच्चों, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो होते हैं जो कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एक कन्फ्यूज़न होता है हमारे लिए कि भाई इसमें हम सिर्फ वही बच्चे इंक्लूड करते हैं जो कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में वो बच्चे आते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, साथ में वो बच्चे भी आते हैं जो कि डेलिक्वेंट होते हैं, जो सपोज़ करो जो क्रिएटिव बच्चा है वो भी एक्सेप्शनल कैटेगरी में आएगा, जो स्टैमरिंग बच्चा है, जो ब्लाइंड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, क्रिएटिव स्टूडेंट, बैकवर्ड स्टूडेंट आई वुड से, ये सारे बच्चे जो हैं वो एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एजुकेशन साइकोलॉजी का रोल क्या है यहाँ पे, तो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों। आप जो है एक नए टीचर हो, आप एक टीचर हैं और आपको एक क्लास मिली है स्कूल में, 10th A क्लास, आप उस क्लास में गए, यू आर ए न्यू टीचर। आपको पता नहीं है कि जब आप एक नए टीचर होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा बच्चा एक्सेप्शनल है, कौन सा बच्चा कितना पढ़ता है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ता। तो आप क्या करोगे? तो देखो यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी की एक टेक्निक होती है कि आप जो है क्रॉस क्वेश्चंस बच्चों से करें। जब आप क्रॉस क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे या फिर उन्होंने जो पहले पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया 10th क्लास है, तो 9th क्लास 8th क्लास में जो उन्होंने पढ़ा होगा उसके बेस पर आप क्वेश्चंस पुट करें, फिर आप देखें कि कौन सा बच्चा जवाब दे रहा है, कौन सा बच्चा क्रिएटिवली आंसर दे रहा है या कौन सा बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा। तो ये देखो, आपको क्या पता चलेगा, आप बच्चों के बारे में आपको पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा आंसर कर रहा है तो ये बच्चा पढ़ता है, ये बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है, ये बच्चा क्रिएटिवली आंसर रिप्लाई कर रहा है मुझे। तो देखो एजुकेशन साइकोलॉजी की एक टेक्निक को आपने यूज़ किया,
दिस इज द टेक्निक ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कि आप क्लास में जाओ और क्रॉस क्वेश्चंस करो वहाँ पे, और उस टेक्निक को आप अप्लाई कर रहे हो टू आइडेंटिफाई द एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स। तो देखो कितना बड़ा रोल है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का रोल जो है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टू आइडेंटिफाई द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कि आप बच्चों बच्चे एक्सेप्शनल हैं या नहीं हैं आपको कैसे पता चलेगा। तो डेफिनेटली यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू देम, आपको उनसे क्वेश्चन पुट करने हैं, आप क्वेश्चंस पुट करो, ठीक है। तो डेफिनेटली जो ये ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप एज ए टीचर आपको काफ़ी हेल्प होगा। और यहाँ पर मैंने इस पॉइंट में आपको ये बताया है कि एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कैसे करें टू गेट द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा मैं, अब हेल्पफुल इन फ्रेमिंग द करिकुलम। देखो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें मदद करती है करिकुलम को फॉर्म करने में। देखो करिकुलम क्या है बच्चों, एक पाठ्यक्रम है। इवन अगर आप एक टेस्ट को भी सेट करते हैं, वो टेस्ट जो आप क्लास के अंदर बच्चों का लेना चाहते हैं, या फिर आप किसी क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का देखो करिकुलम टाइप ही हो गया। तो करिकुलम क्या है, बच्चों के पाठ्यक्रम को सेट करना। अब देखो दैट करिकुलम दैट यू सेटिंग फॉर द चिल्ड्रन दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि भाई जो है आप सारे के सारे हार्ड क्वेश्चन उठा के उस करिकुलम के अंदर डाल दो, तो बच्चे कैसे सोल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी ने हमें बताया हुआ है कि एक क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, मतलब कोई बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, कोई बच्चा इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। तो अब जब हार्ड क्वेश्चन आप डालोगे तो अच्छे बच्चे जो यू नो एक्सेप्शनल होते हैं, जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं, वो उन क्वेश्चंस को बड़े आराम से सोल्व करेंगे, ठीक है, उनको मज़ा आएगा सोल्व करने में। लेकिन जो बच्चे अच्छे से जो डल लर्नर्स होते हैं, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उनको वो प्रॉब्लम सोल्व करने में डिफ़िकल्ट होगा। तो जब आप करिकुलम सेट करते हो तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल आई वुड से, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन पेपर होता है तो उसके अंदर अलग अलग परसेंटेज का डिफ़िकल्ट लेवल होता है, तो उसमें कुछ परसेंट जो डिफ़िकल्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, कुछ क्वेश्चन सॉफ्ट होते हैं, तो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं अच्छे से या इतने अच्छे से इफ़ेक्टिवली वो नहीं पढ़ पाए पूरे साल, तो वो उनको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन साथ में ही एवरेज क्वेश्चंस भी होते हैं या साथ में फिर जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट के लिए होते हैं, जो बच्चे जो हैं मतलब अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो वो क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए सेट होते हैं। तो देखो क्वेश्चन पेपर भी पूरा एक पैटर्न से सेट होता है, ये नहीं कि सारे सॉफ्ट क्वेश्चन डाल दिए बच्चे आराम से उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं, ये नहीं कि सारे ही आपने हार्ड क्वेश्चन उठा कर डाल दिए तो बच्चे जो हैं सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो जो डिफ़िकल्ट रेशियोज़ होता है वो आपका दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टेस्ट, ठीक है। तो करिकुलम का ये पॉइंट हो गया। अब ये इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो हम करिकुलम फॉर्म करते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो करिकुलम है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की, हेल्पफुल इन यूजिंग इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। सॉरी, इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स मतलब आप क्लास के अंदर जा रहे हैं और आप एक टीचर हैं, तो एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी मदद करती है, यू नो कौन से टीचिंग मेथड से आप बच्चों को पढ़ाते हैं। अब टीचिंग मेथड क्या होते हैं, देखो बच्चों क्लासरूम के अंदर हम जा रहे हैं तो जिस हिसाब से हम अपनी टीचिंग डिलीवर करते हैं, जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन हम बच्चों को देते हैं, इंस्ट्रक्शन हम बच्चों को देते हैं, वो जो मेथड है वो कौन सा आपने अडॉप्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मेथड होता है आपका लेक्चर बेस्ड, ये काफ़ी पुराना मेथड है, ठीक है, और एक मेथड है आपका टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मतलब आप क्लास में गए और आपने रीडिंग करवा दी बच्चों की, एक मेथड ये है। एक मेथड है डिस्कशन मेथड। देखो डिस्कशन मेथड बच्चों जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पे आप बच्चों को यू नो बच्चों के साथ डिस्कस करते हो, तो ये एक ऐसा मेथड है आई फाइंड दैट कि यहाँ पे बच्चे जो हैं ज़्यादा इंगेज रह पाएंगे, आप सारे के सारे बच्चों को इंगेज करा सकते हैं। प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड कि भाई आप मैथमेटिक्स के टीचर हो और आपने कुछ क्वेश्चंस दे दिए बच्चों को और बच्चे उनको सोल्व कर रहे हैं, आपने 5 क्वेश्चन दे दिए, 5 क्वेश्चन बच्चे सोल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सोल्विंग
मेथड है, लेक्चर मेथड तो आपको पता ही है कि पुराना मेथड है काफ़ी, टीचर जाता है और सारी गाइडेंस टीचर ही देता है। प्रोजेक्ट मेथड, आपने जो है कुछ प्रोजेक्ट बच्चों को बनाने के लिए दिया, बच्चे उस प्रोजेक्ट मेथड को बना रहे हैं, या ग्रुप आपने फॉर्म कर दिए हैं बच्चों के, बच्चे उस ग्रुप में रह के प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, या फिर रिसर्च मेथड कि आपने कुछ रिसर्च बच्चों को करने के लिए दी है और बच्चा जो है घर पे जाके उस रिसर्च को कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो बच्चों, ये कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, तो कौन सा मेथड यू नो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चों के एप्टीट्यूड के हिसाब से ये आपको बच्चों को देने हैं। तो इस हिसाब से आप जो है बच्चों के इंटरेस्ट को देख रहे हो, एप्टीट्यूड को देख रहे हो, उनके एटीट्यूड लेवल का पता चल रहा है, उस हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट यू नो आप अपने टीचिंग मेथड को भी अडॉप्ट करोगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, एजुकेशन साइकोलॉजी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है टू यू नो टू चूज योर टीचिंग मेथड व्हाइल गोइंग टू दी क्लास। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 14th पॉइंट, हेल्पफुल इन यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। देखो यहाँ पे ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले देखो बच्चों, ऑडियो विजुअल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको बता दूँ। ऑडियो विजुअल ये वर्ड बड़ा कॉमन है, ये मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। ऑडियो का मतलब होता है बच्चों, देखो ये जो पॉइंट है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, वी डिड नॉट हैव ए टेक्नोलॉजी, तो टीचर जो है वो यूज़ भी नहीं करता था, वो यूज़ भी करेगा से उनके पास टूल्स तो होते नहीं थे, तो वो सिंपल क्या करते थे, क्लास में जाते थे और लेक्चर्स को डिलीवर करते थे, बस सिंपल यही चीज़ थी। तो लेकिन जब से ऑडियो विजुअल आया है, मॉडर्न टाइम के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लास टीचिंग दे सकते हो, ग्राफिक्स बच्चों को दिखा सकते हो। ग्राफिक्स मतलब कि जो देखो, ग्राफिक्स जब बच्चा देखता है, पिक्चर जब बच्चा देख रहा है, तो उसकी सेंसेस जो हैं ग्रो कर रही हैं, वो जो है उस चीज़ को अच्छे से याद कर पाएगा। अब जैसे सपोज़ करो, एज ए हिस्ट्री टीचर आप मैप्स बच्चों को दिखा रहे हो, ये ग्राफिकल मेथड है। मॉडल्स बच्चों को दिखा रहे हो, अगर आप एक मैथमेटिक्स के टीचर हो, ग्लोब बच्चों को दिखाया जा रहा है, फिल्म्स बच्चों को दिखाई जा रही है, टेलीविज़न, कंप्यूटर, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनको एडोप्ट करके आप बच्चों को टीच कर सकते हो। तो इससे होता क्या है, इससे बच्चों को एक तो ना इंटरेस्ट आता है बच्चे का। अब बच्चा जो है थक चुका होता है लेक्चर मेथड को सुन सुन के, उसके सामने क्या है, किताब ही रखी है, अब उसको विजुलाइज कर कैसे करे, वो उस बुक को विजुलाइज कैसे करे। सपोज़ करो आप जो है एक टॉपिक पढ़ा रहे हो साइंस में, जनरेटर, तो जनरेटर तो पिक्चर में छपा हुआ है ना, तो वो उसको कैसे विजुलाइज कर पाएगा। फिर वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चों को समझ में नहीं आता तो बच्चे दे स्टार्ट क्रैमिंग, वो वहाँ पे रटना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट कॉपी। तो वहाँ पे वो जब बच्चा रटना स्टार्ट कर देता है तो बच्चा केवल रटता है, बच्चा समझता नहीं है। तो उस चीज़ के लिए आप उनको कंप्यूटर लैब में लेके जाएं, वहाँ पे कोई वीडियो चलाएं यूट्यूब पर और दिखाएं कि देखो ये बच्चों, एक जो जनरेटर है वो काफ़ी सारे 3D ग्राफिक्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे कि एक जनरेटर है, दैट्स हाउ द जनरेटर वर्क्स, जनरेटर इस तरीके से काम करता है। तो देखो एक बच्चे को काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, वो उसको इंटरेस्ट आएगा, उसको क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें विजुअल रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हो एज ए टीचर। तो एज ए टीचर ऑडियो विजुअल जो एड्स है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा टू गेट द फोकस ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 15th पॉइंट, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब देखो बच्चों, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पढ़ा, देखो स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमारा जो मेन काम है, जो स्टूडेंट्स का जो मेन काम होता है वो होता है पढ़ना, ठीक है, स्टडी। तो ये को करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती है, को करिकुलर एक्टिविटी होती है कि स्टडी के अलावा भी स्कूल के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं, और मॉडर्न टाइम में ये एक्टिविटी करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल के अंदर अभी हाल ही में टीचर्स डे गया है, तो टीचर्स डे में स्कूल में फंक्शंस होता है, तो वो एक करिकुलर एक्टिविटी है, वहाँ पे बच्चा जो है पार्टिसिपेट करता है उस फंक्शन के अंदर, मान लो कोई डांस कर रहा है बच्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर किसी प्ले में वो एक्ट कर रहा है, तो ये भी एक को करिकुलर एक्टिविटी है। इससे क्या होगा कि बच्चे की पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है। पढ़ाई का मतलब ये, स्कूल का मतलब ये नहीं है, जैसे पुराने एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, कि केवल पढ़ो, मैंने पढ़ाई का कीड़ा बन जाना जिसको हम कहते हैं, बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन
केवल पढ़ाई एकमात्र इम्पोर्टेंट जरिया नहीं है। अब सपोज़ करो कोई बच्चा है, उसका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता है, उसका डांस में ज़्यादा ध्यान लगता है, वो क्रिएटिव बच्चा है डांस में, तो ऐसी एक्टिविटी उस बच्चे को जो है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में मदद करती है। वो हो सकता है कि वो आगे चल के फेमस डांसर बन जाए, ठीक है, लेकिन अगर वो केवल पढ़ता तो हो सकता है कि वो पढ़ाई में ना चले और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो को करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ध्यान से सुनो कि को करिकुलर एक्टिविटी का एग्जांपल तो मैंने एक फंक्शन आपको दे दिया है, साथ में देखो स्कूल के अंदर कोई अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रखा है, जैसे बॉक्सिंग का है या कबड्डी टूर्नामेंट होता है या क्रिकेट का होता है, तो ये भी को करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा होती है। क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे पढ़ाई में माहिर हों, कुछ बच्चे खेल में अच्छे होते हैं, तो आप उनके टेम्परामेंट को यूज़ करो, खेल के अंदर कबड्डी प्लेयर बनाओ उसे, बॉक्सिंग करवाओ उसे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाओ, तो हो सकता है कि आगे चल चल के वो अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़े। या फिर स्कूल के अंदर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो रखा है या कोई कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ हो रखा है, तो ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। को करिकुलर एक्टिविटी जैसे सपोज़ करो कि हिंदी में एक प्रस्ताव लिखने के ऊपर जो है कॉम्पिटिशन चलता है, तो वो एक को करिकुलर एक्टिविटी है। उससे होता क्या है कि बच्चे का इंटरेस्ट आता है, बच्चे की लिखाई जो उसकी हैंड राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो है को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट होती हैं, और यहाँ पे जो है उनको होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी देयर इन द स्कूल, ऐसा एजुकेशन साइकोलॉजी बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी काफ़ी मदद करती है टू ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटी को समझने में। बात करते हैं पॉइंट नंबर 16 की, हेल्पफुल इन फ्रेमिंग द टाइम टेबल। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल को फ्रेम करने के लिए, टाइम टेबल जो है हमारा वो हम यहाँ पे फ्रेम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था बच्चों, पुराने टाइम में टीचर जो है उसको जो अच्छा लगता था वो उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देता था, उस टाइम टाइम टेबल की इतनी तवज्जो नहीं थी, टाइम टेबल को इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं देते थे। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में ये थोड़ा सा इरिलेवेंट बन चुका है कि अगर हम टाइम टेबल को यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से ना लें। जैसे देखो अब टाइम टेबल का मतलब क्या है कि देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बच्चों जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, मैथमेटिक्स या फिर साइंस, ये थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप रिसेस से पहले पढ़ाएं, लंच से पहले पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं एनर्जेटिक रहते हैं और एनर्जी रहती है, बच्चे ब्रेकफास्ट करके आते हैं। लेकिन सपोज करो इसका उल्टा आप समझो कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ रहे हैं एट्थ पीरियड में जाके, मतलब पूरे दिन तो बीत गया स्कूल के अंदर, लेकिन एट्थ पीरियड जो उनका लास्ट पीरियड है वहाँ पे वो मैथमेटिक्स कर रहा है, तो बच्चे को क्या समझ में आने वाला है? बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बच्चा थका हुआ भी होगा, वो उसका फोकस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो टाइम टेबल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप टाइम टेबल देखो कि वहाँ पे जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं आप उनको रिसर्च से पहले पढ़ाओ, ठीक है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें ये चीज़ें करना बताती हैं, इसके हिसाब से हमने टाइम टेबल को भी इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया है। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, देयर हैज़ टू बी अ टाइम मैनेजमेंट बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 17 की, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप बिहेवियर। देखो ग्रुप बिहेवियर क्या है, बच्चा जब ग्रुप में ग्रुप में बैठना स्टार्ट कर देता है, अपने दोस्त बनाना स्टार्ट कर देता है, तो उस ग्रुप के अंदर जो जिस तरीके से उसका बिहेवियर होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप बिहेवियर। अब एजुकेशन साइकोलॉजी ने हमें मदद करी है इस ग्रुप बिहेवियर को समझने में। आपने एज ए टीचर आपने देखा होगा कि जब बच्चा कोई अकेला बैठा रहता है तो बड़ा शांत स्वभाव, क्लास को डिस्टर्ब ना करना, फोकस करना, चीज़ों को अच्छे से समझना, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देता है तो बच्चा दे स्टार्ट मेकिंग नॉइज इन द क्लास, डिस्टर्ब करना वो स्टार्ट कर देते हैं, टीचर को ट्रबल करना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखो दो प्रस्पेक्टिव मैंने आपको बताए और दोनों ही प्रस्पेक्टिव में उस बच्चे के बिहेवियर डिफरेंट है। ग्रुप बिहेवियर कुछ अलग है, और जब वो आराम से बैठा है, सिंगल बच्चा बैठा है, कोई देर इज़ नो स्टूडेंट विद देम, तो वहाँ पे वो एक अलग तरीके से बिहेवियर को शो करता है। तो यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी इस चीज़ को समझने में हमारी मदद करती है, ठीक है। उसके बाद कि भाई ग्रुप बिहेवियर, बच्चा उस टाइम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों वो बिहेव कर रहा है, क्या कारण है उसका, क्या निवारण है उसका। एजुकेशन साइकोलॉजी पॉजिटिव साइंस है, आपको पता है, टेक्निकल साइंस है, तो वो हमें सोल्यूशन भी बताती है कि भाई इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है।
तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन साइकोलॉजी हमें बताती है। उसके बाद बात करते हैं हेल्पफुल इन डेवलपिंग पॉजिटिव एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। देखो बच्चों, इसका सीधा सा मतलब है कि एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में किसी बच्चे के अंदर, उसके एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने में एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ ए पॉजिटिव एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट। द टीचर वर्क्स इन साइकोलॉजी प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। अब टीचर क्या करता है, वो एजुकेशन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बेस पर बच्चों को अपनी इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज कराता है। He teaches his subject keeping in view the interest and needs of the student। वो अपने subject matter को कैसे पढ़ाता है, बच्चों के interest को ध्यान में रख के, बच्चों को needs, जो बच्चों को ज़रूरत है उसी concept को ध्यान में रख के, ठीक है ना। अब बच्चों को ज़रूरत क्या है तो वो सारी चीज़ें एक टीचर को मालूम होना चाहिए। कितनी इंस्ट्रक्शन एक बच्चे को डिलीवर करनी है वो उस टीचर को मालूम होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बनेगा, साइंटिफिक बनेगा। एज ए टीचर, अगर आप एक साइंस के टीचर हैं तो बच्चों को प्रैक्टिकल कराएं, प्रैक्टिकल कराएंगे तो बच्चे का जो एटीट्यूड है वो साइंटिफिक बनेगा। हर वो क्यूरियस होगा, नेचर को जानने में उसकी इच्छा होगी, एंड हु नो कि भाई आगे चल के वो अच्छा साइंटिस्ट बन जाए। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन साइकोलॉजी हमें करना बताती है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 19 की। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन। अब देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनडिसिप्लिन को सोल्व कराने में हमें मदद करता है। देखो टीचर का सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है ना वो इनडिसिप्लिन है क्लास के अंदर। अब इसको कैसे दूर किया जाए, बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप बच्चों को इंगेज करो अपने टीचिंग मेथड से। आप उनको कुछ प्रॉब्लम करने के लिए दे दो। बच्चा इनडिसिप्लिन तब क्रिएट करता है जब उसके पास कुछ नहीं होता, वो टीचर भी कुछ नहीं करा रहा होता, बच्चा भी खाली बैठा है, उसके दिमाग में आएगा क्या, सिर्फ शरारत शरारत और शरारत। तो आप ऐसे टीचर बच्चों को कुछ करने के लिए दें, कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ क्वेश्चन आप बोल सकते हो इफ़ यू आर ए मैथमेटिक्स टीचर, या फिर बच्चों से कह सकते हैं कि चलो बच्चों आज हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। एक बच्चा यहाँ पे आएगा फ्रंट पे और इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, तो देखो सारी क्लास जो है इंगेज होगी और इनडिसिप्लिन नहीं होगा। बच्चों के पास कुछ बताने के लिए होगा, ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हो, बच्चों को हमेशा इंगेज करो तो बच्चा जो है इनडिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर बच्चों से आप कुछ करा नहीं रहे हो, बच्चों से आउटकम नहीं ले रहे हो, तो डेफिनेटली बच्चा दे विल स्टार्ट यू ट्रबल। वो देखो टीचिंग की जो जॉब होती है ना बच्चों, वो इतना इजी नहीं होता है। अगर आपको एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से पता है तो आप अपनी जॉब को ईजी बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग, सॉरी ये तो पुराना पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगा 20, हेल्पफुल इन मेकिंग द स्कूल एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंट। देखो एजुकेशन साइकोलॉजी ने हमें फील फ्री कराया, खासतौर पर बच्चों को। अब बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे नेचुरल वे में टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं। पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, जो टीचिंग होती थी वो टीचर ओरिएंटेड होती थी, क्योंकि जो भी करना है वो टीचर को करना है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या हो गया है कि बच्चों को दे स्टार्ट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़, उनको सेंटर पे रख के पढ़ाया जाता है। आपको पता है चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो हमारी टीचिंग बन चुकी है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इस एनवायरनमेंट को तोड़ने में, जो पहले फिक्स था, पूरा रिजिड था, पहले क्या था, रिजिड एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट से क्या होता था कि भाई जो है कि बच्चे जो हैं बड़े शाई फील करते थे, या वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाते थे टीचर के साथ। लेकिन अब जो है एजुकेशन साइकोलॉजी ने इस समस्या का समाधान निकाल दिया है। बच्चे दे स्टार्ट फील फ्री, एक स्कूल के अंदर जो एनवायरनमेंट रहता है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। टीचर भी अच्छे से बता रहा होता है बिना झिझक के, बच्चे भी अच्छे से समझ रहे होते हैं, बच्चे भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है यहाँ पे हमारी काफ़ी मदद करता है। देखो जो एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, पुराना ही पॉइंट है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ए पॉइंट नंबर 19 में, देखो पुराने टाइम में क्या होता था कि एक टीचर इनडिसिप्लिन कैसे क्रिएट करता था, वो सिंपल सी बात है, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड।
बड़ी इंटरेस्टिंग से बात है। पहले क्या होता था कि रोड अपने पास रखो छड़ी और बच्चों को जो है सुझा दो, अगर बच्चा जो है इंडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है तो बच्चों को पनिश करो, मारो, फिजिकली पनिश करो उसे। तो अब मॉडर्न टाइम में अब ये ना थोड़ा सा इरिलेवेंट बन चुका है, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि बच्चों को हम डांट रहे हैं, बच्चों को यू नो बच्चों को मार रहे हैं, तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। यू नो अगर इंडिसिप्लिन आपकी क्लास में हो रहा है तो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं कि आप उन मेथड्स का यूज़ करें रादर देन कि आप पनिश कर रहे हैं बच्चों को, हाथ खड़े करा रहे हैं बच्चों के या फिर मुर्गा बना रहे हैं बच्चों का, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आप इन चीज़ों का, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो इस चीज़ को आपको यूज़ करना है। एज ए टीचर आप जो है आपके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर हो वो सब्जेक्ट इतना आपका अच्छा होना चाहिए कि आप हर दिन बच्चों को कुछ ना कुछ नया करा सको। ठीक है, तो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है टीचिंग की, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का वीडियो सेशन। यहाँ पे मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी के रोल के बारे में डिस्कस किया है इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, और यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये पार्ट टू के पॉइंट्स हैं। इससे पहले मैंने पार्ट वन का वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख लो, ये पार्ट सेकंड है। एक वीडियो और आएगा इसके ऊपर क्योंकि पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं बुक्स के अंदर, तो वो सारे पॉइंट्स आई वॉन्ट टू कवर ऑल ऑफ देम। ठीक है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले और अपने हिसाब से जो है आप अपने करिकुलम को कट शॉर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो सेशन को ध्यान से सुनने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो सेशन के लिए स्टे ट्यून ऑन दी टेट्स गुरु चैनल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।